ओके सो आज कोई वीडियो बनाने का मेरा मूड नहीं था, बट अभी अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा एंड फिर सोचा कि इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में कुछ बात किया जाए। तो अगर आप एक फोटोग्राफर हो या फिर आपको फोटोग्राफी या फिर डॉक्यूमेंट्री जो अगर आपको पसंद है तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। एंड दिस डॉक्यूमेंट्री इज़ अबाउट दैट अफगान गर्ल जो फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इन 1985। एंड ये डॉक्यूमेंट्री है उसी लड़की के बारे में एंड ऑल्सो अबाउट दैट फोटोग्राफर। वो जो फोटोग्राफ तब लिया गया था इन 1984, उसके करीब 17 ईयर्स बाद जाके ये डॉक्यूमेंट्री शूट हुआ है। सो पहले वो 1984 का जो माहौल था वहाँ पे अफगानिस्तान में, तो उसी माहौल का फोटोग्राफ्स लेने गया था स्टीव मक्यूरी, आई मीन दैट फोटोग्राफर। तो वो अफगानिस्तान जाते हैं इस नेशनल जियोग्राफी की एक टीम के साथ एंड वहाँ पे जाके वो डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था वहाँ पे। एंड वहाँ पे एक रिफ्यूजी कैंप में उसको एक लड़की मिली, उसी लड़की की फोटोग्राफ फेमस हो गया इन 1985। उस लड़की की नाम है सरवत, एक्चुअली मेरी भी एक फ्रेंड है एंड हर नेम इज़ ऑल्सो सरवत। तो एनीवे तब रिफ्यूजी कैंप में वो सरवत पढ़ाई कर रही थी अपना स्टडीज़ एंड वो थी वहाँ की सिविलियन एंड उसका घर वर सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो वहाँ पे वो रिफ्यूजी कैंप में थी एंड वहाँ पे स्टीव ने जाके उसका फोटो निकाला। आफ्टर दैट इन 1985 नेशनल ज्योग्राफी के जो मैगज़ीन आते हैं उसके कवर फोटो था वो 1985। एंड तब इस फोटो ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया था, यू नो। एंड आज भी उस फोटोग्राफ का वैल्यू कुछ कम नहीं हुआ है। आई मीन हर जगह पे वो फोटो, आई मीन अभी भी वो जो स्टोरी बोलता है ना, आई मीन वो एक फोटोग्राफ करीब हज़ारों स्टोरीज बोलता है आपको एंड दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ फोटोग्राफी। सो इफ़ यू आर अ फोटोग्राफर या फिर आपको फोटोग्राफी अच्छा लगता है तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो ऑब्वियसली। एंड आई कैन बेट ऑन इट कि यू विल गेट अ बिट इमोशनल। मैं अभी अभी इमोशनल हुआ हूँ, सो दैट्स वाई आई एम सेइंग इट। जब वो फोटोग्राफ लिया गया था इन 1984, उसके बाद करीब 17 साल बाद स्टीव एंड वही नेशनल ज्योग्राफी का एक टीम वो फिर से अफगानिस्तान जाता है एंड जाके उसी लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है। अब ये लड़की मिलती है या फिर नहीं मिलती है वो आप देख लेना डॉक्यूमेंट्री में। आई विल नॉट गोइंग टू गिव यू द स्पॉइलर। सो द थिंग इज, जब आजकल मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आजकल कमर्शियल फोटोग्राफी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, बट ऐसे यू नो जिस फोटोग्राफ में स्टोरी है, जिस जो फोटोग्राफ दुनिया में पूरा हलचल मचा देता है, ऐसा फोटोग्राफ अभी थोड़ा कम हो गया है आजकल। आई मीन उस टाइप का फोटोग्राफ अभी देखने को उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो उसमें इतना ज़्यादा एडिट वेडिट करके आई मीन उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। सो ये आजकल है। आई एम नॉट सेइंग इट कि इट्स अ वेरी बैड थिंग और इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ न्यूट्रल थिंग, यू नो। जितना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उतना हम लोग अपडेट होते जाएंगे एंड फिर हम लोगों का देखने का तरीका, हम लोगों का फ़ोटो खींचने का तरीका अलग होता जाएगा। बट स्टिल द थिंग इज़ इन हियर, द ओल्ड इज़ स्टिल गोल्ड, यू नो। तो वो फोटोग्राफ का जो वैल्यू है वो वैल्यू शायद कभी भी कोई और फोटोग्राफ है, मैं उस फोटोग्राफ को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। सो दैट्स द थिंग। आई मीन आप सोच सकते हो जो 80s के टाइम वो फोटोग्राफ लिया गया था वो उसका वैल्यू आज भी कुछ कम नहीं है। आई गेस वो थोड़ा वैल्यू और भी ज़्यादा हो गया है अभी उस फोटोग्राफ का। कभी मैं जाके ऐसा डॉक्यूमेंट्री शूट कर पाऊँगा या फिर नहीं, आया अब नो आइडिया। मैंने अभी तक कुछ बड़ा तीर तो नहीं मार लिया है अभी तक, बट स्टिल मारना कौन नहीं चाहता है। मारेंगे कभी अगर नसीब में आया तो। आई विश कि मैं कभी जाके ऐसा कोई वॉर जोन में जाके मैं फोटोग्राफ्स खींचूँ। एक्चुअली दिस थिंग अट्रैक्ट्स मी अ लॉट। आई मीन ऐसा नहीं है कि मुझे वॉर फोटोग्राफ्स बहुत पसंद है या फिर मैं चाहता हूँ कि वहाँ जाके, ऐसा नहीं है। ठीक है मुझे अच्छा नहीं लगता है बट अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करता है। सो दैट्स वाई आई रियली वॉन्ट टू गो इन अ वॉर जोन एंड मैं वो फाइट्स का फोटोज नहीं लेना चाहता हूँ। आई मीन गोली मार रहा है या फिर कोई किसी को गो आई मीन कोई गोली खा रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। मैं ऐसे फोटोग्राफ्स लेना चाहता हूँ अगर अगर मैं होता हूँ, आई मीन आगे जाके कोई डॉक आई मीन कोई फोटो जर्नलिस्ट में बन जाता हूँ। वैसे मैं पढ़ाई वढ़ाई उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ। सो एनीवे तो
अगर ऐसा कोई मौका मिलता है कि वॉर जोन में जाके मैं फोटोग्राफ्स खींच रहा हूँ, तो आई विल क्लिक द फोटोज ऑफ दो सिविलियंस, दोज रेफ्यूजीज जो लोग वहाँ पे वही वॉर जोन में रहते हैं. बिसाइड दैट, आई मीन नॉट बिसाइड, विथ दो सोल्जर्स जो लोग वहाँ पे फाइट करते हैं, सोल्जर्स एंड फाइटर्स. तो वहाँ के जो सिविलियंस होते हैं जिनके पास कोई आर्म्स नहीं होते, स्टिल दे लिव इन देयर, स्टिल दे डोंट वॉन्ट टू लीव देयर मादर लैंड. एंड वहीं पे वो लोग जीते हैं, वहीं पे वो लोग मुस्कुराते हैं, एंड वहीं पे वो लोग जो नेसेसरी चीज़ें हम लोग करते हैं अपने रेगुलर लाइफ्स में, वो लोग वहीं पे वो लोग करते हैं. सो आई वॉन्ट टू टेक दोज काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स, रियली अलॉट. अगर कोई फोटो जर्नलिस्ट भैया अगर आप देख रहे, वैसे आई डोंट हैव दैट मच सब्सक्राइबर्स एंड ऑल, मुझे पता भी नहीं है आगे जाके होगा या फिर नहीं, बट स्टिल अगर इफ यू वॉन्ट आई कैन गो विथ यू, आई मीन आई हैव लिटरली नो प्रॉब्लम. आप मेरा फोटोग्राफ देख सकते हो, आई कैन गिव यू द टेस्ट एंड डेफिनेटली आई विल गो विथ यू. सो दैट्स द थिंग. एक्चुअली मेरा खुद का जो जॉनर है दैट इज़ ट्रैवल फोटोग्राफी, एंड ट्रैवल फोटोग्राफी के अंदर सब कुछ आता है, पोर्ट्रेट से लेकर लैंडस्केप, हर चीज़ ट्रैवल फोटोग्राफी के अंदर आते हैं, एंड दैट इज़ वाई आई लाइक दैट जॉनर. एंड बट ये जो फोटो जर्नलिज्म, आई मीन जो डॉक्यूमेंट्री शूट करने वाली जो बात होती है ना, तो उसमें एक अलग ही एक सुकून मिलता है मेरे को. कभी मैंने किया नहीं हूँ, अपने तरीके से मैं कोशिश किया हूँ कुछ कुछ जगह में जाके, एंड फिर वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करके वही अपने आप में वो कहानी में रख लेता हूँ. सो दैट्स इट. इससे ज़्यादा तो कभी कुछ हुआ नहीं है. सो एनी वे, इट्स दिस वीडियो इज़ ऑल्सो नॉट अबाउट मी, दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्री. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री एटलीस्ट वंस. मज़ा आएगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, बट अच्छा लगेगा ये मैं कह सकता हूँ. एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ बिट इमोशनल आफ्टर वॉचिंग दैट डॉक्यूमेंट्री. सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.